Hello everyone. So we have Bhumi Budhani with us today. So proud to say that she cleared her CA foundation examination with flying colors. And सबसे पहले भूमि मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका रिएक्शन क्या था जैसे आपने सबसे पहले रिजल्ट देखा. पहले बात तो रिजल्ट ने काफी डिले किया है 10 का 10:30 का 11 बट जब रिजल्ट आया मतलब प्राइसलेस मोमेंट था. आई वाज लाइक हां फाइनली इतने महीनों की जो हमने किया था क्लियर हो. तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर यहां पर आपने 4 सब्जेक्ट्स वीक्स वर्क किए थे राइट. So, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. मतलब कांस्टेंट फन भी था उसके साथ पढ़ाई भी थी एंड टीचर्स का सपोर्ट भी हर इसमें था. कोई भी ऐसा नहीं था कि डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं होते ऑलमोस्ट. मतलब कभी भी आप जैसे आपका एग्जांपल आप क्लास के बाद में इतनी ज्यादा टाइम पास करती थी फिर भी आप मेरे सब डाउट्स क्लियर करते थे. आपने मेरा काफी मतलब गाइडेंस दिया था. मैं बीच में एकदम ट्रैक से चली गई थी. आपने मुझे सपोर्ट किया था कि ऐसे करना है वैसे करना है. मतलब फन भी था बट एकदम ऑसम एक्सपीरियंस. So as you have cleared CA foundation, अभी तो जो भी अभी CA foundation appear होने वाले students हैं, उनको as a senior, now you are a senior, right? So आप उनको क्या guidance देना चाहोगे? क्या करना चाहिए? क्या do's and don'ts anything? मतलब constant revisions, जो class में पढ़ाया जा रहा है, वो continue अपने को पढ़ने हैं, क्योंकि बाद में ना वो एक burden हो जाता है, उसके कारण फिर अपनी पढ़ाई proper नहीं होती है. तो constant जो class में उस दिन complete करके से revisions continue, test series. फिर MTPs, RTPs properly लिख के सॉल्व करने चाहिए. ओरली अपन बोलते हैं पेपर में देख लेंगे लेकिन वो नहीं होता क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अपने को पता नहीं होता है. और जैसा कि अकाउंट्स का स्कोर आपका 75 व्हिच इज वन एक्सीलेंट ब्रिलियंट स्कोर. सो व्हाट वाज योर अप्रोच थ्रू आउट अकाउंट्स में? आपने एमटीपी आरटीपी मॉड्यूल ये सब पे स्ट्रेस किया, लिख के प्रैक्टिस किया कि ओरल किया, क्या किया अपना? एक्चुअली तो जो आपने बुक किया था उसमें पास्ट एमटीपीस आरटीपीस भी थे तो मुझे अलग से पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं एक एक चैप्टर लेके वो ही पहले पूरे मॉड्यूल करती थी फिर आपके एमटीपीस आरटीपीस सब कंप्लीट करके कर देती थी. एंड आई वाज लाइक ठीक है सब सॉल्व किया है, एक दो क्वेश्चंस ओरली बट मोस्टली सब लिख के ही किया. सब कुछ लिख के दैट मैटर्स दोस्तों. अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे लिख के प्रैक्टिस करना, सारे फॉर्मेट्स बना के करना और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका स्कोर. सो प्राउड टू से दैट भूमि हैज क्लियर फाइनली हर एग्जाम एंड क्लास में भी शी वॉज वेरी पॉपुलर अमाउंट पूरे क्लास में. ऑफलाइन मूवी ऑनलाइन मूवी दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर थे, दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है. So I wish you all the best for the future. Intermediate में भी ऐसे ही flying colors से आगे बढ़ो और final में भी आप rank लाना है सीधा. Okay, thank you so much.